नाग पंचमी की पूजा विधि और कहानी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे और सात भौवें थीं। सातों भौवें जोर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानियाँ बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुफकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियां बोले कि हमारा तो पीहर भी है और तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई से लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगा कर और सारा सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन दे कर भेज दिया। तब वहाँ पर चाची ताई बोली कि बहू तेरा भाई बहुत लाड़चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पियर था तब भी बाप भाई नहीं लेने आया, और इसका पियर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा, वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो उसकी दुरानी जिठानी ताने मारती हैं, इसीलिए मैं तुझे सोने चांदी की बोरी दे कर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी बनवा कर भाई ने भिजवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत गिराओ। तब सांप अपनी माँ से जाकर बोला, बहन को तो और ताने मारे जा रहे हैं, मैं तो सोने चांदी की झाड़ू दे कर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब वह देख कर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार दे कर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही वह हार सर्प बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सर्प बन गया। उसने कहा कि मेरे पियर नहीं था, मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही यह हार दिया है। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और भी दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उसके पति को सिखा दिया कि कहाँ से यह धन इतना लेकर आती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि
तू धन कहाँ से लाई है? उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नागपंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकालें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो नाग देवता की जय। नाग पंचमी की पूजा विधि। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में सात गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पटरे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ा दें। भीगा हुआ मोट बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुने। मोट बाजरे में रुपए रख कर बायना निकाल कर सासू के पैर छू कर दे दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बायना भेजें। नागपंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।